एक जलपरी अचानक पानी के टैंक से बाहर गिर जाती है, जिससे जल्द ही इसकी लंबी पूंछ किसी आम आदमी के पैरों के जैसे हो जाती है। पास ही में खड़े समुद्री डाकू जलपरी की सुंदरता को देखकर उसे घूरने लगते हैं, जिस कारण जलपरी बुरी तरह डर जाती है कि तभी एक आदमी अपने कपड़े उतारकर जलपरी के ऊपर डाल देता है। उसी समय एक बूढ़ा समुद्री डाकू जलपरी को खड़े होकर खुद चलने का आदेश देता है। अब क्योंकि ये एक जलपरी है, इसलिए जैसे ही ये चलने लगती है, ये धड़ाम से जमीन पर आ गिरती है। तभी वो बूढ़ा समुद्री डाकू इस जलपरी को चेतावनी देता है कि अगर वो अपने आप नहीं चल पाएगी तो उसे उनके द्वारा मार दिया जाएगा, जिस कारण अब इस जलपरी की जान बचाने के लिए वो आदमी इसे अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि देर रात को एक बार जलपरी ने भी इस आदमी की जान बचाई होती है। जलपरी की सुंदरता को देखकर इस आदमी को इससे पहली नजरों में ही प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर समुद्री डाकुओं ने इस जलपरी को इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि जलपरी के आंसू लोगों की जिंदगी को और लंबा बना सकता है। अब जलपरी को अधिक रुलाने और ज्यादा आंसू इकट्ठे करने के लिए ये डाकू इसके सामने ही इससे प्यार करने वाले आदमी को जान से मार देते हैं।